देखिए औलाद को दीनी तालीम देने के फायदे क्या है, बहुत सारे फायदे, मैं कुछ आपके सामने गिना देता हूँ। देखिए हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा तरक्की करे, हमारा बच्चा खुशहाल रहे, हमारे बच्चे पर कोई आफत ना आए, कोई आँच ना आए। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नवाजा है उनके दिल से जाके पूछो, हकीकत में अल्लाह ताला ने बहुत रहमत भी दी है, यानी माँ बाप को बहुत बड़ा कलेजा देता है जब औलाद देता ना, तो माँ बाप को अल्लाह ताला वो कुव्वते बर्दाश्त देता है और वो मेहनत मशक्कत करने का वो हौसला देता है कि वो अपनी औलाद के खातिर अपनी जिंदगी दांव पे लगा देते। जब तक बाप नहीं बने थे अपनी आरजुओं के लिए, अपनी तमन्नाओं के लिए जीते थे, लेकिन जिस दिन बाप बन गए उनको अच्छा कपड़ा पहनने का शौक खत्म, घूमने फिरने का शौक खत्म, सब इसलिए शौक है लेकिन चूंकि पैसा उतना नहीं है तो वो अपने शौक को कुर्बान करके बच्चों के शौक को पूरा करते हैं। यानी बच्चों से इतनी मोहब्बत होती वालदेन की, कोई बच्चे पर कोई आफत आए तड़प उठते हैं, कितने लोगों के सामने जिल्लत बर्दाश्त कर लेते हैं, कितने लोग जॉब करते हैं अपने बॉस की बकबक को, उसकी बकवास को बर्दाश्त करते हैं, कितने लोग राह चलते हुए किसी की गालियों को बर्दाश्त करते हैं, रिएक्शन इसलिए नहीं देते हैं कि अगर हम यहाँ कहीं फंस गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा। तो बच्चों का ख्याल करते हुए एक आदमी लोगों की गालियां सुनता है, लोगों की बकवास सुनता है, लोगों को जवाब नहीं देता है सिर्फ अपने बच्चों के खातिर। तो मेरे भाइयों अगर हकीकी मानों में हम अपने बच्चों का भला चाहते हैं तो सबसे बड़ा भला ये होगा कि उनको सही अकीदा सिखा दें ताकि दुनिया में भी वो जो है कामयाब रहें और मरने के बाद जो असल लाइफ है जहां जिंदगी की कोई एंडिंग नहीं है, हमेशा जिंदा रहना है, वहां सोचो अगर हमारे बच्चे शिर्क पर मरे तो वहां क्या होगा उनका। इसलिए अगर हम अपने बच्चों का भला चाहते हैं तो उनकी पूरी जिंदगी सामने रख के सोचो कि उनको अब क्या दे रहे हैं। सिर्फ दुनियावी जिंदगी नहीं, यहाँ तो 60-70 साल जी के मर जाएगा आदमी, लेकिन उसके बाद कबर, फिर उसके बाद महशर में जन्नत जहन्नम का बंटवारा हो जाएगा, उससे पूरी जिंदगी उसकी जहां खत्म होने वाली नहीं है। तो अपने बच्चों पर एहसान करो, बच्चों का भला करो, उनको कुछ ऐसा सिखाओ कि इस दुनिया में भी दीन पर रहें और मरने के बाद भी उनको जन्नत मिले। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है अगर हम दीनी तालीम देते हैं तो वो दीन पर रहेगा और जन्नत का मुस्तहिक हो सकता है। इसी तरह से मेरे भाइयों ये सिर्फ आखिरत में जन्नत का मसला नहीं है, दुनिया में भी जिंदगी उतारने का उसके पास सही तरीका होगा। क्योंकि दीन क्या सिखाता है, दीन सिखाता है चोरी नहीं करना, डाका नहीं डालना, जनाकारी नहीं करना, बदकारी नहीं करना, बेमानी नहीं करना। तो हकीकत में उसकी जो एक दीनदार जो दीनी तालीम से आरास्ता है उस बच्चे की जो लाइफ स्टाइल होगी वो दीनदार जो है दीन की बुनियादों पर मबनी होगी और वो समाज के लिए फायदेमंद होगा, अपनी कौम के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि वालदेन के लिए भी फायदेमंद होगा, वालदेन के भी काम आएगा इस दुनिया में। आप देखें मगरबी तहजीब क्या है, वो ये सिखाती है बच्चों को कि तुम्हारे जो बूढ़े माँ बाप है तुम्हारे घर का शो खराब करें, निकाल के बाहर ओल्ड एज होम में डाल दो उनको। तो ये जो आजकल के बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में ले जाके डाल देते, फेंक देते, वो अपने साथ रखने के लिए गवारा नहीं। जबकि यही माँ बाप जब बच्चे छोटे थे तो बच्चों को अपने साथ ले लेके घूम रहे थे, अपने साथ सुलाना, अपने साथ लेके चलना। आदमी जॉब पे जाता है तो तड़पता है बच्चों को छोड़ के जाता है, बाद में आता है सबसे पहले बच्चों को नजर डालता है, इतना लगाओ बच्चों को। ये बच्चे बड़े होके माँ बाप को निकाल के घर से बाहर कर दे, क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास दीन का इल्म नहीं है। तमाम मजाहिब में आप इस्लाम वाहिद मजहब है जिसने इतना ज्यादा उभारा है वालदेन की खिदमत पर, और जिस कदर वालदेन बूढ़े हो गए उस कदर उभारा है कि अगर वो बूढ़े गए तो उन्हें उफ तक ना खाओ। जैसे जैसे वो कमजोर होते जाते हैं ताकीद इस्लाम ताकीद करता है बच्चों को कि वैसे वैसे आप उनका हक बढ़ता जाता है, उनकी आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है कि उनका ज्यादा आप ख्याल रखो, बल्कि यहां तक कह दिया कि उनके कदमों के नीचे जन्नत है, बल्कि बद्दुआ भी कर दी गई इस मुस्तदरक हाकिम की रवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ रहे हैं, जिब्रील इस्लाम आके कह रहे हैं कि उस शख्स का सत्यानाश हो, वो शख्स बुरा हो सकता, बर्बाद हो, तबाह हो, बर्बाद हो जो बुढ़ापे में अपने वालदेन को पाया या उनमें से किसी एक को पाया और अपनी मगफरत नहीं करवा सका, जन्नत में नहीं जा सका। जिब्रील इस्लाम ने बद्दुआ दी, अल्लाह के नबी ने कहा आमीन। ये माँ बाप का, आप सोचें, सही बुखारी की हदीस सबने सुनी होगी कि तीन लोग बारिश में कहीं जा रहे थे, बारिश से बचने के लिए गार में घुसे और फंस गए, ऊपर से चट्टान गिरी और मुंह बंद हो गया। तो इन तीनों ने जो अपने आमाल पेश किए थे उन आमाल की बदौलत अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और चट्टान खींच के उसमें से एक ने क्या कहा था कि मेरे बूढ़े माँ बाप थे, मैं उनकी खिदमत करता था, सबसे पहले जो दूध आता था बकरियों का वो मैं सबसे पहले माँ बाप को पिलाता था, फिर बच्चों को। एक दिन माँ बाप सो गए, उनको नहीं पिलाया और जगाया भी नहीं, बच्चे बिलक रहे, रो रहे हैं, लेकिन बच्चों को नहीं दिया। जब उनकी नींद खुली तो उनको सबसे पहले पिलाया, फिर बच्चों को। फिर अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह ये काम मैंने अगर तेरी खातिर किया है तो इस गार से हमको निकाल दे, चट्टान खिसका दे, चट्टान खिसक गई। इस वाक्य पे जरा गौर करें कि उस आदमी ने अपने माँ बाप की जो खिदमत की, किस लिए खिदमत की, इसलिए खिदमत की कि अल्लाह खुश हो जाए। तो ये दीन सिखाता है बच्चों को
यानी मफाद में नहीं, आजकल कुछ बच्चे अपने माँ बाप के पीछे लगे रहते हैं तो उसके पीछे जायदाद प्रॉपर्टी लेने का लालच होता है, इंश्योरेंस करा के रखेंगे बड़ा बड़ा, कब ये मर जाए हमको मिल जाए, तो इस तरह से दुनियावी मफाद होते हैं। लेकिन ये जो तीन गार वाला वाक्य है उसमें आदमी क्या कह रहा है कि अल्लाह अगर मैंने तेरी रजा के लिए, तेरी खुशनौदी के लिए मैंने ये काम किया था, वालदेन की खिदमत की, तो चट्टान खिसका दे, चट्टान खिसक दे। तो ये दीन सिखाता है कि बच्चे माँ बाप के लिए जो कुछ करते हैं उनको माँ बाप से रिटर्न नहीं चाहिए, हालांकि उनको ऑलरेडी बहुत कुछ मिल चुका है माँ बाप से, लेकिन वो सिर्फ इसलिए दीन सिखाता है कि तुम माँ बाप की खिदमत करो, इसका सिला अल्लाह देने वाला है, ये हुक्म अल्लाह ताला का है। तो ये जो ज़हनियत बनती है ना बच्चों की कि माँ बाप से हमारा ताल्लुक अल्लाह की बुनियाद पर होना चाहिए, ये ताल्लुक इतना मजबूत होता है माँ बाप के साथ कि इतना मजबूत ताल्लुक पैदा करने के लिए कोई रास्ता दुनिया में किसी के पास नहीं, सिर्फ दीनी तालीम है। कि अगर आपने बच्चों को दीनी तालीम सिखा दिया तो वो आपसे इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाएंगे, आपके इतने ज्यादा जो है मानने वाले हो जाएंगे कि बुढ़ापे में किसी भी हाल में आपको तनहा छोड़ने वाले नहीं, घर से निकालना तो बहुत दूर की बात है, आप पे कोई आंच नहीं आने देंगे अगर हकीकी माने में वो जो है दीनी तालीम है उनकी। तो और सिर्फ दुनिया में नहीं, मैं बात खत्म करता हूँ, आखिरत में भी, यानी आपके मरने के बाद भी बच्चे आपके काम आएंगे। ये मगरबी तहजीब कहती है कि माँ बाप बूढ़े हो गए घर से निकाल के बाहर फेंक दो, इस्लाम कहता है बूढ़े हो गए उनकी खिदमत करो, अरे मर के चले गए तो भी उनके लिए दुआ करो, यानी तुम्हारे माँ बाप चले भी गए ना दुनिया से तो भी नेक औलाद उनके लिए दुआ करती है। ये नेक औलाद बच्चों को दीनी तालीम देने का फायदा होता है कि अगर हम मर के चले गए तो भी हमारे बच्चों के बदौलत हमको सवाब मिलता रहेगा। तो सही मुस्लिम की हदीस है ना कि इंसान मर जाता है उसके सवाब का सिलसिला बंद हो जाता है इल्ला मिन सला, तीन चीजों के अलावा, उसमें एक है औलदिन सालिहिन यदउलहु, नेक औलाद जो अपने माँ बाप के लिए दुआ दे। तो नेक औलाद जब माँ बाप के लिए दुआ करती है ना तो बाप मर चुका है, माँ मर चुकी है, वालदेन को सवाब मिलता रहता है। सही उल जामे में शेख अल्बानी रहमला ने एक रवायत को नकल करके सही करार दिया है, उसमें है कि एक शख्स को जन्नत में उसका प्रमोशन होता है, उसको तरक्की दी जाती है, उसके मकाम से बढ़ा के ऊंचा मकाम दिया जाता है, तो कहते हैं ये मुझे कहाँ से मिला, यानी मैं तो इसका मुस्तहिक नहीं था। तो फरिश्ते कहते हैं बिस्तिगफार वलदिक लक, तुम्हारे बच्चों की दुआओं की वजह से तुम्हारा मकाम बढ़ाया जा रहा है। ये बच्चों का ये बेनिफिट हमको कब मिलेगा, बच्चों की दुआएं कब मिलेगी हमको, जब हम बच्चों को दीन सिखाएंगे। दीन नहीं सिखाएंगे मरने के बाद तो दूर की बात है, जिंदगी में नहीं पूछेगा वो, मरने के बाद माँ बाप के लिए दुआ करना बहुत दूर की बात है, जिंदगी में नहीं पूछेगा। तो ये फायदा होता है बच्चों को दीन सिखाने का। मैं एक बात और पेश करके गुफ्तगू खत्म करता हूँ। देखिए कभी कभी नेक औलाद माँ बाप को न सिर्फ इनके सवाब पहुंचाते हैं बल्कि उनके कंधों पर लदे हुए गुनाह को भी, बोझ को भी उतारने की कोशिश करते हैं। बोझ गुनाह दोनों अलग अलग कर लीजिए। बोझ मिसाल के तौर पर जैसे कर्ज है, एक बाप चला गया दुनिया से कर्ज लेके, नेक औलाद उसका कर्जा चुकाती है, और जो बुरी औलाद हो कर्जा चुकाना दूर की बात है, बाप जो छोड़ के गया ना उसको भी कब्जा करके बैठ जाएगी। बाप के तरके से कर्जा अदा हो सकता है लेकिन नहीं अदा करेगी, बद किरदार बद चलन औलाद। लेकिन नेक औलाद बाप अगर माइनस में भी चला जाए ना, कुछ छोड़ के ना जाए, तो कर्जा उतारेगी। सही बुखारी कहती है ना कि अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु जंगे उहुद में जा रहे थे, कहा अपने बेटे बुला को, जाबिर को बुला के कहा, जाबिर रजी अल्लाह कि बेटा मैं जंग पे जा रहा हूँ, हो सकता है जिंदा वापस ना हो, अगर मैं नहीं आ सका तो मेरा इतना कर्जा बाकी है तुम अदा कर देना। अब्बा कोई प्रॉपर्टी छोड़ के नहीं जा रहे थे, माइनस में जा रहे थे, बच्चे को ताकीद की, और जब गए और इत्तेफाक से वो शहीद हो गए, फिर बच्चे ने, सही बुखारी वाले की रवायत है, बच्चे ने कितनी मेहनत, जाबिर रज़ी अल्लाह ने कितनी मेहनत करके अपने अब्बा का सारा कर्जा चुकाया, सारा कर्जा चुकाया। ये नेक औलाद होती है जो बाप का बोझ उतारती है मरने के बाद। ये तो कर्ज की बात है ना, एक और मिसाल दें, गुनाह, यानी बाप के कंधे पर अगर गुनाह लदा हुआ ना तो नेक औलाद कोशिश करती है कि ये गुनाह मेरे बाप का हल्का हो जाए। जैसे कितने सारे वालदेन हैं जो अपने बाप के मरने के बाद अपनी बहन का हिस्सा हड़प कर लेते हैं विरासत में, और फिर वैसे मर जाते हैं, अपनी बहन का हिस्सा खा के मर जाते हैं। जाहिर सी बात है कि मरने के बाद उनको अल्लाह के हिसाब देना पड़ेगा। तो नेक औलाद जब होती है ना तो वो औलाद सोचती है, यानी बाप ने नहीं सोचा कि बहन को देना है, लेकिन औलाद सोचती है कि मेरे बाप ने मेरी बुआ को नहीं दिया, अपनी बहन को नहीं दिया, तो बाप के मरने के बाद जब बेटे बंटवारा करते हैं तो अपनी बुआ का अलग करके दे देते हैं कि मेरे अब्बा ने नहीं दिया हम देते हैं, हो सकता है कि मेरा बाप इस गुनाह से बच जाए। तो ये तसव्वुर और बाप के हक में ये अच्छा गुमान और ये अच्छी कोशिश तब आती है जब बच्चे दीनदार हों, उनके पास दीनी तालीम हो। इसलिए मेरे भाइयों, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करें, ताकि वो हमारे बच्चों के पास सबसे बड़ी दौलत अगर हम हो सकती है तो वो दीन की दौलत है, वो अकीदे की दौलत है। अच्छा, एक बात जहन में आ गई, मैं बात खत्म करूंगा, वो बहुत जरूरी है। बच्चों की दीनी तालीम ना होने का एक बड़ा नुकसान है ना कि आजकल हमारे बच्चे बागी बनते जा रहे हैं, खासतौर से लड़कियों की बात नहीं करूंगा, लड़कियां जवान होने के बाद किसी का भी हाथ पकड़ के निकल ले रही, यानी शादी ब्याह में इस्लाम ने जो वली की शर्त रखी है उनका कोई पासो लिहाज नहीं, बाप की मर्जी नहीं, जवान हुई वो डायलॉग बोलती हैं हमारा जिस्म हमारी मर्जी, निकल लेती। इस बदकारी
और वालदेन के साथ बगावत की वजह यह है कि उनके पास दीनी तालीम नहीं, उन्हें नहीं मालूम कि उनकी हद क्या है और माँ बाप का मकाम मर्तबा क्या है, ये उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है। उसके नतीजे में वो बगावत करेंगे। देखिए पुराने जमाने में औरतें लड़कियां जाहिल भी रहती थी, उनके पास दीनी इल्म नहीं रहता था, तो भी वो बदकारी से बची रहती थी क्योंकि एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, समाज का एक पहरा था, मुआशरे की निगरानी होती थी। है पुराने जमाने में आप देखें, अभी अगर किसी फैमिली से कोई लड़की ऐसे निकल जाए रात को तो कोई भी उसको पकड़ लेगा, टोक देगा, घर का कोई बुजुर्ग है, उसका चाचा है, मामा है, यानी सबकी नजर रहती थी, वो सबसे डरते थे। ऐसा नहीं कि वो अपने अब्बा से डरते थे, लड़की लड़की घर से बाहर निकलते हुए देखती थी कि हमारे परिवार का, हमारे खानदान का कोई भी मेंबर देख ले तो हमारी लियाकत है, तो वो निगरानी में रहती थी, उसका एक बहुत तहफुज में रहती थी। बल्कि घर तो जाने दें, गांव वाले भी निगरानी रखते थे, अगर कोई लड़की निकली कुछ ऊंच नीच हुआ तो गांव का कोई आदमी भी खड़ा होकर टोक सकता था ये क्या हो रहा है, और वो डरती थी लड़की। लेकिन आज मेरे भाई जमाना बदल चुका है, आज लड़कियां आजाद हो चुकी हैं। अरे गांव के किसी बुजुर्ग की बात सुनना बहुत दूर की बात है, किसी दूसरे शख्स की बात सुनना कोई बहुत दूर की बात है, अपने बाप की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, अपने भाई की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, बगावत पर उतारू है, अपनी बाप की बात नहीं सुनती लड़की, अपने भाई की बात नहीं सुनती, तो कौन उसको बचाएगा? उसको सिर्फ इल्मे दीन ही बचा सकता है। तो आज जो जीने का तरीका, लोगों की जो लाइफ स्टाइल है ना, तर्ज रहाइश है, इस दौर में तो और जरूरी हो जाता है। पुराने दौर में ज्वाइंट फैमिली जो सिस्टम था वो किसी हद तक उनको सिक्योर करता था, लेकिन आज तो वो सिक्योरिटी भी नहीं है, तो आज तो और जरूरी हो जाता है कि हम कम से कम उनको दीनी तालीम दें, ताकि अगर वो बाप का ख्याल ना करें, भाई का ख्याल ना करें, दीन का ख्याल करें, अल्लाह का ख्याल करें, रसूल का ख्याल करें, तो यही चीज उनको बचा सकती है। अब बाहर से पहरा नहीं बिठा सकते आप, अंदर से पहरा लगाना होगा, खुद अंदरूनी तौर पर उनको ऐसा पावर, ऐसा ताकत देना होगा कि ऐसी सिक्योरिटी सिस्टम उनको देना होगा, ताकि वो औरतों को बचाएं, वो अपनी फिक्र करें, अपनी आखिरत की फिक्र करें। हकीकत में जब ईमान आ जाएगा तो ये लड़की किसी का हाथ पकड़ के नहीं भागने वाली, किसी का पैसा देख के, किसी का स्टेटस देख के। बाद में खत्म करूंगा, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, किंग था, किंग पूरी को कहता था मैं तुम्हारा आना रब हुकुम लाला, मैं तुम्हारा रब हूं। लेकिन उसकी बीवी के पास जब ईमान आया तो उसकी बीवी ने क्या कहा कि ए अल्लाह ताला मुझे तेरे पास, कुरान में अल्लाह निकल किया रब इब्न ली बैत का फिल जन्ना, कि ए अल्लाह ताला अपने जो है कैसे कुरान किया था मुझे याद नहीं आ रही, कि ए अल्लाह ताला तू अपने यहाँ मुझे जन्नत में मेरा घर बना दे, जन्नत में मेरे लिए घर बना दे। आप सोचें कि उसका शौहर दुनिया का सबसे पावरफुल किंग है और दुनिया की सबसे आलीशान हवेली में वो रह रही है, लेकिन उसे हवेली पसंद नहीं, उसे पावरफुल शौहर पसंद नहीं, क्योंकि बस इसके पास ईमान है, उसके पास ईमान है। और आज जिनकी, जिन बेटियों के पास ईमान नहीं है, वो किसी का भी हाथ पकड़ लेंगे, उसके पास दौलत कहां से आई, उसने चोरी करके लाया, हराम खा के इकट्ठा किया, सूद खा के इकट्ठा किया, कहां से कट्टे, नहीं दो चार फ्लैट इसके पास है, गाड़ी है, बंगला, चलो इसके साथ। हत्ता कि भाई हलालो हराम दूर की बात है, ईमान तक का फर्क नहीं भैया। वो लड़की ये भी नहीं देखती कि मुसलमान भी है कि नहीं, वो मुशरिक, वो काफिर जो या बिदती कोई भी इसका अकीदा हो, इस्लाम का नाम नहीं लेता, इस्लाम को दुश्मन ही क्यों ना हो, पैसा देकर भाग गया उसके साथ। तो ऐसे हालात में भी बच्चियों को नहीं पढ़ाओगे तो क्या हश्र होगा, क्या अंजाम होगा? इसलिए मेरे भाइयों आज के जमाने में बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करें। मैं नहीं कह रहा कि दुनियावी तालीम छोड़ा दें, आप पढ़ाइए उनको जो पढ़ाना हो, लेकिन साथ में दीनी तालीम भी बहुत जरूरी है, चाहे मदरसे के जरिए, चाहे मकतब के जरिए, चाहे ट्यूशन के जरिए, आजकल तो ऑनलाइन भी वो सारी क्लासेस चलती हैं, किसी भी जरिए से बहरहाल दीन से जुड़े रखना बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे, आमीन। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आए। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।